हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम हैं बजाज के शोरूम भलोटिया बजाज में, जो कि हमारे जमशेदपुर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बजाज प्लेटिना एच गियर के ऊपर, जिसे कंपनी ने अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं इस बाइक के वेरिएंट के बारे में। कंपनी आपको ये बाइक दो वेरिएंट में देती है, प्लेटिना एच गियर 110 सीसी डिस्क ब्रेक और प्लेटिना एच गियर 110 सीसी ड्रम ब्रेक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस बाइक के वारंटी के बारे में बता देता हूं। कंपनी आपको ये बाइक 5 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ देती है, जिसमें कंपनी के कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। इस बाइक के कलर ऑप्शन की बात करें तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है कॉकटेल वाइन रेड कलर, और इसके साथ आपको दो कलर और मिलते हैं, एबनी ब्लैक विद ब्लू, एबनी ब्लैक विद रॉयल बर्गंडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्लेटिना एच गियर के कुछ खास बातों पे ध्यान देते हैं, जिससे यह बाइक अपनी अलग पहचान बनाता है। उससे पहले आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप हर बार मेरे वीडियो को देख के लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दें। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं प्लेटिना एच गियर को कंपनी ने एच गियर नाम क्यों रखा है। कंपनी आपको इस बाइक में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देती है। इसके 5th गियर को कंपनी एच गियर बोलती है, जिससे इसका पूरा नाम होता है हाईवे गियर। इस बाइक के फ्यूल टैंक में कंपनी आपको गोल्डन कलर से प्लेटिना लिखा हुआ देती है 3D एम्बलम, जिससे इस बाइक का लुक बहुत ही बढ़ जाता है। प्लेटिना एच गियर में कंफर्ट राइड के लिए कंपनी आपको लॉन्ग एंड वाइड सीट देती है। प्लेटिना एच गियर में कंपनी आपको एनालॉग और डिजिटल का कंसोल फीचर देती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इन सब के साथ प्लेटिना एच गियर में आपको डिस्क ब्रेक में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और अगर आप ड्रम ब्रेक वाला लेते हैं बाइक तो उसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इन सब के साथ आपको इस बाइक में क्रोम प्लेटेड मफलर कवर भी मिलता है। अब हम प्लेटिना एच गियर के इंस्ट्रूमेंटल कंसोल फीचर के बारे में जान लेते हैं कि आपको उसमें क्या मिलता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, जिसके साथ डिजिटल डिस्प्ले में आपको ट्रिप मीटर और ऑडोमीटर देखने को मिलेगा, जिसके साथ लो बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, फ्यूल गेज और क्लॉक मिलता है। इसके साथ ही आपको इसके एडिशनल फीचर में कंपनी आपको गियर इंडिकेटर देती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका बाइक किस गियर में चल रहा है, और उसके साथ ही आपको इसमें गियर शिफ्ट गाइड भी देती है। अगर आप इस बाइक को गलत गियर में चला रहे हैं तो गियर शिफ्ट गाइड आपको बताता है कि इस बाइक को आपको किस गियर में चलाना है, जिससे आपको इस बाइक में बेस्ट परफॉर्मेंस और माइलेज मिल पाता है। अब हम इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कंपनी आपको इसमें TRL देती है, जिसके साथ आपको इसके हेडलैम्प में 35x35 वॉट का हेलोजन बल्ब मिलता है, और इसके टेल लैंप और टर्न सिग्नल लैंप में भी कंपनी आपको नॉर्मल बल्ब ही देती है। और इन सब के साथ आपको इसमें पास स्विच और मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी मिलता है। इस बाइक के सस्पेंशन में कंपनी आपको 135mm का टेलीस्कोपिक फोर्क देती है फ्रंट में, और इसके रियर में आपको स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग विद नाइट्रो गैस ऑब्जॉर्वर मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस बाइक के ब्रेक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक है, इसका साइज फ्रंट का 130mm है। आप चाहो तो डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं, और इसके साथ ही इसके रियर ब्रेक की बात करें तो वो भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जिसका ड्रम साइज है 110mm। इस बाइक के व्हील्स और टायर टाइप के बारे में जान लेते हैं। कंपनी आपको इसमें बहुत ही सुंदर ब्लैक फिनिश 17 इंच का अलॉय व्हील देती है, जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका टायर साइज फ्रंट और रियर दोनों का ही 80/100 है। इसके इंजन में कंपनी आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व एयर कूल्ड DTSI इंजन देती है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.6 PS का और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm का मिलता है।
इसके ट्रांसमिशन में कंपनी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देती है जिसका ड्राइव टाइप चेन ड्राइव है। इसकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कंपनी आपको नॉर्मल कार्बोरेटर देती है जिससे आपको इस बाइक में 55 टू 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है और आप इसे टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला भी सकते हैं। इसके स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें कंपनी आपको किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट भी देती है। इस बाइक का जमशेदपुर झारखंड का एक्स शोरूम प्राइस ड्रम ब्रेक का 53,504 रुपीज है और डिस्क ब्रेक का 55,501 रुपीज। फ्रेंड्स, अगर आप जमशेदपुर झारखंड से और इस बाइक को परचेज करना चाहते हो तो आपको भलोटिया बजाज में जरूर आना चाहिए। यहाँ पे सेल्स मैनेजर मिस्टर निरंजन कुमार जी मिलेंगे जिनसे आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है इस बाइक पे। भलोटिया बजाज के जमशेदपुर में दो शोरूम है, एक बिष्टुपुर में और एक आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर आपको फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है और फाइनेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा है, प्लीज उसे देख लें। फ्रेंड्स, मुझे इस बाइक की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत बहुत इंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस बाइक के डायमेंशन आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा है, प्लीज़ उसे देख लें।